नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे जमीन मापी के नए तरीकों के बारे में। बिहार में अपराध के मामलों को अगर हम देखें तो एक बड़ा मामला जो है उसमें जमीन से जुड़ा हुआ है। बता दें कि प्रदेश में अब जमीन की मापी को लेकर बिहार सरकार एक्शन में है। जमीन की मापी इलेक्ट्रिक टोटल स्टेशन यानी कि ETS के माध्यम से कराई जाएगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इसके लिए 711 ETS मशीनों की खरीद का ऑर्डर जो है वो दे दिया है। खरीद के बाद हर जमीन की मापी इसी मशीन के माध्यम से कराई जाएगी। इस मशीन से मापी होने पर जमीन की मापी में किसी भी तरह की कोई त्रुटि नहीं रहेगी, साथ ही साथ किसी की मनमानी भी नहीं चल पाएगी। इससे पहले जमीन मापी को लेकर कई तरह की शिकायतें विभाग के पास पहुंचती रही है, खास करके अमीन को लेकर। बता दें कि विभाग ने जमीन मापी की मशीन खरीदने का अधिकार जिलों को दे दिया है, साथ ही राशि को भी निर्गत कर दिया गया है। इन मशीन की खरीद जेम पोर्टल के जरिए किया जाएगा। बताया जा रहा है कि हर एक मशीन के लिए 6 लाख रुपए की राशि यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो 42,66,00,000 रुपए की राशि मुहैया की गई है। बता दें कि विभाग पर लगातार यह आरोप लगता रहा है कि जमीन का सही सही जांच नहीं हो रहा है। ऐसे में विभाग ने अपने कार्यों को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में यह एक बड़ा कदम है। बता दें कि वर्तमान में जिलों में जमीन के सर्वे का कार्य जारी है, जिसमें ग्राम सीमा सत्यापन, त्रिसीमाना का निर्धारण समेत किस्तावार का काम इन मशीनों की मदद से किया जा रहा है। बता दें कि यह मशीन एरियल एजेंसी के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। इस मशीन की खरीद के साथ ही अमीनों को यह मशीन दे दिया जाएगा, जिससे कि भूमि सर्वेक्षण के काम में तेजी आएगी। यह मशीन किरणों के सहारे काम करेगी। जमीन की मापी किरणों के द्वारा की जाएगी। इस मशीन के इस्तेमाल से किसी भी मापी में कोई अंतर नहीं होगा। जमीन की मापी के लिए अमीन मशीन के किनारे पर खड़ा कर देंगे और मापी करने वाले खेत के किनारों पर प्रिज्म रख देंगे। बटन दबाते ही मशीन के किरणें निकलेगी और प्रिज्म से प्रिज्म की दूरी रिकॉर्ड कर लेगी। बता दें कि GPS का भी उपयोग इस मापी में होगा। खास बात यह है कि इस माध्यम से एक साथ में 50 प्लॉटों की मापी आसानी से की जा सकती है। बिहार सरकार यह मानती है कि प्रदेश में आपराधिक मामलों में जमीन विवाद एक बड़ी समस्या है। इसमें भी जमीन की मापी को लेकर कई मामले जो है सामने आते रहे हैं। ऐसे में सरकार यह चाह रही है कि जितनी जल्दी हो सके जमीन से जुड़े हुए मामलों का निपटारा किया जा सके। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी यह माना है कि प्रदेश में आपराधिक मामलों के 60% जमीन से जुड़े हुए मामले हैं। ऐसे में सरकार जमीन से जुड़े मामलों को दूर करने की पूरी कोशिश कर रही है। ऐसे में अंग्रेजों के समय से चली आ रही इस परंपरा को भी बिहार सरकार बदलने वाली है, जिसमें कि पहले जरीब या फिर कड़ी के माध्यम से जो है जमीन की मापी होती रही थी। अब जो है बिहार सरकार एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ मशीन के माध्यम से जमीन की मापी होगी, जिससे कि न तो जमीन 1 इंच आगे होगा और ना ही 1 इंच पीछे। इसमें हर किसी को सहूलियत होगी। ऐसे में अब देखना है कि बिहार सरकार इस मशीन वाले नए प्रयोग से जमीन मापी का कितना लाभ मिल पाता है। सबसे अहम चीज़ ये है कि जमीन की जब मापी होती है तो उसमें अमीन को लेकर जो है सबसे ज़्यादा शिकायतें जो है विभाग के पास आई कि जब अमीन की मिली भगत से जो है जमीन इधर से उधर कर दिया गया। उसके बाद यह मामला जो है कोर्ट में जाता है, फिर आपराधिक मामले बन जाते हैं और यह थाने तक मामला पहुँचता है। तो इन सब चीज़ों को जो है दूर करने को लेकर बिहार सरकार लगातार एक्शन में है। अगर हम बात कर लें CM नीतीश कुमार की, तो जनता दरबार में जब जमीन के जिस दिन की सुनवाई होती है उस दिन जो मामले सामने आते हैं, उसके बाद संबंधित विभाग को लेकर भी कहा जाता है कि आप इस पर जल्द से जल्द काम करें। ऐसे में अगर जमीन की मापी मशीन के माध्यम से होगी तो एक तो तेज़ी से जमीन की मापी भी होगी और दूसरा जो है पारदर्शिता बना रहेगा। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।